आइए आत्मा मधेपुरा द्वारा काले धान की खेती को बढ़ावा देने के लिए यहाँ किए जा रहे कार्यों पर और अधिक जानकारी के लिए आपको माँ लक्ष्मी महिला कृषक हृदय समूह के ही कुछ और महिला सदस्यों की राय से भी रूबरू कराते हैं, तो सुनते हैं इनका क्या कहना है। 20 आदमी के समूह बने लिए, समूह से बना समूह में गलिए बतल के वैसे बताया के लिए तो खाद गोबर रख लिए, छोर गोबर खरन बहारन सब चीज आकर ओकर खाद बने लिए, खाद बना के खेत में डाल लिए धान रोप लिए, धान रोपली में बढ़िया उपज भले तब जाकर जैसे मार्केट अथी में बेच लिए, बेचलो में बढ़िया पैसा दल के वैसे चाह लिए ऊपर और जाए के लिए सीखे के लिए और तैयार छे, और जितना छे उतना में जैसे से माल जाल वो पोसे छे, लार फुआर खाए छे बढ़िया हर की बढ़िया छे और लोगो बढ़िया छे, ऐसे अगाड़ी और चाहे छे और सीखे प्रदर्शन से तो और वैसे अगाड़ी खेती कर ले चाहे छे। यहाँ यह बदलाव यूं ही नहीं आए, इसके लिए आत्मा मधेपुरा ने काले धान की जैविक खेती को स्थानीय कृषकों के बीच प्रचलित करने के उद्देश्य से सबसे पहले महिला और पुरुषों के कृषक हित समूह बना इन्हें काले धान की जैविक खेती की तकनीक सिखाने के लिए कृषक और कृषक समूह के सदस्यों को प्रशिक्षण और प्रत्यक्षण के अलावा जिले के अंदर सहित जिले के बाहर और राज्य के बाहर भी कई स्थानों के परिभ्रमण पर भेज इन्हें काले धान की जैविक खेती के आधुनिक और नवीन तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराने के प्रयास किए। तो वहीं प्रियंका कुमारी के नेतृत्व में किसान पाठशाला के आयोजन सहित जैविक खाद और कीटनाशकों के निर्माण और प्रयोग पर बल देते हुए काले धान की खेती में लागत को कम कर आय को कई गुना बढ़ा लेने का स्थानीय महिला कृषकों को हुनर भी सिखाया गया। साथ ही साथ अन्य पंचायत और प्रखंड के कृषकों को भी यहाँ के परिभ्रमण पर ला अन्य कृषकों को भी काले धान की जैविक खेती से होने वाले लाभ से अवगत कराने के प्रयास किए गए। आत्मा मधेपुरा द्वारा काले धान की खेती में लागत को कम कर आय को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे कार्यों का ही परिणाम है कि आज यहाँ कई महिला और पुरुष किसान न सिर्फ काले धान की खेती में जैविक पद्धति अपनाकर काले धान की खेती में आने वाली लागत को कम कर लिया है, बल्कि कम लागत से भी गुणवत्तापूर्ण अधिक उत्पादन के लाभ सहित इनके अपेक्षाकृत अधिक बाजार मूल्य से अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर खुद को विकास के मुख्य धारा से जोड़ अन्य दूसरे कृषकों के समक्ष काली धान की जैविक खेती से आर्थिक संपन्नता हासिल करने का एक अनुकरणीय उदाहरण भी प्रस्तुत कर रही है। आइए आत्मा मधेपुरा द्वारा अत्यधिक आय देने वाले काले धान की जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों और इससे स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव सहित प्रियंका कुमारी को हासिल हुई उपलब्धियों पर और अधिक जानकारी के लिए आपको जिले के जिला कृषि पदाधिकारी सह आत्मा परियोजना निदेशक राजन बालन की राय से रूबरू कराते हैं, तो सुनते हैं इनका क्या कहना है। मधेपुरा में एक और अभी नई बात सामने आई है, जो ये धान की खेती तो सभी लोग करते हैं, लेकिन एक काला धान की खेती भी हमारे किसान हैं जो प्रियंका कुमारी गमरिया के, इनके द्वारा काला धान की खेती की गई है। मैं बता दूं कि ये काला धान जो है ये डायबिटीज़ वालों को जैसे कहा जाता है कि चावल उन्हें मना किया जाता है खाने के लिए, लेकिन ये काला धान डायबिटीज़ के भी जो पेशेंट हैं वो इससे बना हुआ चावल का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है और जो हमारा जनरल धान है या चावल है उसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक पाया जाता है, जो शुगर पेशेंट को डॉक्टरों के द्वारा मना किया जाता है। लेकिन ये काला धान एक प्रकार से औषधीय धान है और इसका प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है और इसका मार्केट प्राइस भी काफ़ी अच्छा है, 70 से 80 रुपये इसका किलो पड़ता है। तो जो किसान अगर इसकी खेती करते हैं तो उन्हें आर्थिक लाभ के साथ साथ एक औषधीय के रूप में भी काला धान का प्रयोग किया जा सकता है। मैं इस सीडी के माध्यम से वृत्त चित्र के माध्यम से और भी किसानों को
कहता हूँ कि आप काला धान की खेती करें, इसका रकबा जिला में बढ़े ताकि उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो।